वो मजदूर, वो किसान, वो टीचर, वो मेहनत कश खवातीन, वो स्टूडेंट जो साथ काम करता है और साथ अपनी तालीम हासिल करता है, वो रेड़ी बांध, हर वो शख्स जिसकी आमदन 40,000 से कम है उसको इस पेट्रोल की इंक्रीज के बाद साथ 2,000 रुपया दिया जा रहा है। खाली 786 के ऊपर कॉल करें, कॉल लाइन है 786, उस पर कॉल करें और आपको ये 2,000 आपकी इनकम लेवल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी चेक करके आपको ये 2,000 रुपया मिलेगा मंथली। ये रिलीफ दिया और उसके बाद पेट्रोल में हमारे लिए आसान काम थे, आपने तो नहीं किए। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ाते थे रात के अंधेरे में, हर 15 दिन के बाद, आपने तो कभी कोई रिलीफ की बात नहीं की। और उसके बाद BISP के अंदर जो रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं, जो कि 14 करोड़ बनती हैं, 1.4 करोड़ फैमिलीज हैं और उसकी आबादी जो है वो 8.5 करोड़, जो पाकिस्तान की आबादी है वो उस डेटा के अंदर है BISP के अंदर, उसको भी उनको भी एक्स्ट्रा 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं उसके अलावा जो उनको BISP में मिलते हैं इस पेट्रोल के इंक्रीज के साथ साथ। ये रिलीफ है जो 8.5 करोड़ आबादी और उस BISP के डेटा के अलावा जो 40,000 जिनकी इनकम है और उससे कम है उनको 2,000 रुपये मिल रहे हैं। ये होता है वो वजीर आजम, इसमें सब है, सब शामिल है, इसमें सरकारी अफसर शामिल हैं, प्राइवेट शामिल हैं, किसान शामिल हैं, मजदूर शामिल है, रेड़ी बांध शामिल है, जिसकी आमदन जो है वो 40,000 रुपये से कम है। आप सिर्फ 786 पे कॉल करें और आपको आपकी इनकम को चेक करके आपको ये 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आप बातें करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, कब पहले ऐसा हुआ है? अगर हमें ये फैसला हम करते हैं दिल पे पत्थर रख कर करते हैं और एक विजन के साथ करते हैं कि हम इसको बदलेंगे, हम इस साइकिल को ब्रेक करेंगे, हम मईशत को रास्ते पर डालेंगे। हमने किया है, अगर कोई मिसाल दे सकता है तो हमने करके दिखाया है। इनकी तरह नारे और काली एन के पैन के झूठ नहीं बोले थे, लेक्चर नहीं दिए थे, इनके पास मौका था। उस मौके के अंदर 4 साल इन्होंने मुल्क को महंगाई में झोंका, बेरोजगारी में झोंका, अवाम के अंदर मईशत को तबाह किया। आज लेक्चर देते हो कंटेनर पे, एक ही काम कर सकते हो, कंटेनर पे चढ़ सकते हो जो बेहतरीन करते हो, दूसरा काम बेहतरीन करते हो झूठ बोलते हो, तीसरा काम बेहतरीन करते हो मुनाफकत करते हो, चौथा काम बेहतरीन करते हो इस्लामिक टच देते हो अपनी सियासत को। आपको शर्म नहीं आती सुलह हुदैबिया की मिसालें देते हो? आपको तो खुदा ना खास्ता, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहती अल्फाज, आपको अपनी बात करते हुए आपको खुदा का खौफ नहीं आता कि आप किस किस्म की गुफ्तगू, लेकिन बेहतरीन करते हो। इस्लामिक टच हो, मदीना की रियासत के ऊपर बैठकर अपनी सियासत करो, मुनाफकत करो, झूठ बोलो और कंटेनर पर चढ़ जाओ, यही करो, बाकी काम हम करेंगे, हमें करना आता है। हमारे पास वो सोच भी है, वो फिक्र भी है, वो सलाहियत भी है और यही वजह है जिसकी वजह पे मैंने आपको ये बताई। एक और चीज़, आज प्राइम मिनिस्टर ने हंगामी तौर पर जो पूरा प्रोग्राम है वो 4 दिनों से जो कंजर्वेशन डिमांड है, एनर्जी डिमांड है और उसके ऊपर जो कफायत शुआरी, ये पेट्रोल के फ्यूल बिल की कटौती है, उसके ऊपर हमें पूरा वजारतों को और पूरी कैबिनेट को उन्होंने तमाम सिफारशात मांग ली हैं और आज शाम उसके ऊपर एक इजलास भी है आज रात को, और उसके बाद जो कैबिनेट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो कफायत शारी है उसके अनाउंसमेंट्स की जाएंगी। ये तमाम वो चीज़ें जो उस रिलीफ के अलावा हैं, इसमें आवाम को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, वो आवाम जो ऑलरेडी जिसकी इनकम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी जो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, ये तमाम रिलीफ उनके लिए हैं, ये तमाम चीज़ें उनके लिए। मैं रिपीट कर दूँ, रिपीट करना चाहती हूँ आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए कि जिनकी तनख्वाह 40,000 से कम है वो 786 पर कॉल करके 2,000 रुपये उनको मिलेगा, जो वो अपने फ्यूल पे या उसको किसी तरह भी जो अपने एक्सपेंस उनका था ऑन फ्यूल उसको अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद और हमारा विजन है इंशाल्लाह महंगाई भी कम होगी। ये जो पीरियड है इसमें इस इन्फ्लेशनरी रेट को रेट ज़्यादा होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक प्लान हो, एक विजन हो, एक स्ट्रेटजी हो, उसके मुताबिक इंशाल्लाह डॉलर मुस्तहकम होगा। आपके अंदर ये जो हम अभी ये जो बातें कर रहे थे,
ये वो लोग हैं कि हम टर्की से टर्की गए, उस पर मैंने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इंशाल्लाह कल करूँगी। टर्की हम गए, वहाँ तुर्क सरमायाकारों के साथ 4 साल पाकिस्तान में जो ज्यादती होती रही, जो अपने पैसे लेकर आए, जो हमारे दौर के मंसूबे लगे हुए थे, चाहे वो पंजाब में लगे हों, चाहे वो वफाक में लगे हुए हों, उनको इन्होंने नैब की जेलों में डाला। उनकी ग्रांट मनी, जो उन्होंने ग्रांट्स दी हुई है, उस पर इन्होंने टैक्स लगाए। उनको दफ्तरों में रुलाया, वो दर दर फिरते रहे, और उनको कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। नालायकी इनकी थी, कारकर्दगी इनकी थी, सर हमारे शर्म से झुके हुए थे जब हम टर्की गए। और वहां सिर्फ एक एक पूरा फोकस था कि जो सरमायाकार आना चाहता है, जिसका जो मसला, वो 2 दिन में हल हुआ। 2 दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने वो तमाम मसाइल जो इन्वेस्टर्स के थे, जिन्होंने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी और जो करना चाह रहे थे, चाहे वो तालीम का शोबा हो, हेल्थ का शोबा हो, एनर्जी का शोबा हो, पेट्रोलियम का शोबा हो, तवानाई का शोबा हो, सब इन्वेस्टर्स जो थे, रोड्स का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शोबा हो, सब नाराज। उन सबको 2 दिन के अंदर 4 साल के मसाइल। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, सिस्टम भी वही है, यहां तक के सेक्रेटरीज भी वही हैं जो इनके लगाए हुए थे। मसले हमने हल किए, हमने वो तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को दोबारा बहाल किया, क्योंकि ऊपर क्यादत बदल चुकी है। क्यादत अवाम की फिक्र रखती है, अवाम का सोच रखती है। इनको, इनके पास है क्या? 4 साल हुकूमत करने के बाद भी झूठ है, फरेब है, लोगों की लानतान है, लोगों को बदतमीजी करें, लोगों के साथ बदतहजीबी करें, झूठ बोलें, और भाषण, किस बात का भाषण? उसके बाद आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं इन जो जीना मरना कह रहे थे, हमारा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान में है। और इमरान खान साहब किधर रहते हैं बेटे आपके? टोबा टेक सिंह और साहिवाल घर बना के दिया हुआ है उनको, छुट्टियों पे कहाँ जाते हैं? किधर होते हैं बच्चे आपके? और मैं उधर नहीं जाना चाहती जो इखलाकियात से तीसरी उंगली आप पर उठती है। मैं वहां नहीं जाना चाहती कि वो कहाँ रहते हैं सारे। इसलिए ये सस्ती शोहरत, सस्ती सियासत, सस्ते बयानियों ने 4 साल मुल्क तबाह कर दिया, बेरोजगार कर दिया, गरीब कर दिया, मुफलिस कर दिया, मईशत तबाह कर दी। आपका डाला हुआ गंध और आपकी लगाई हुई आग बुझा रहे हैं। जो तमाशे आपने किए, जो नलायकी आपकी थी, वो आज अवाम भुगत रही है। लेकिन उस नलायकी का भी बोझ हम उसकी हिकमत अमली बनाकर, स्ट्रैटेजी बनाकर, अवाम को रिलीफ देकर, ताकि अवाम पे ये बोझ ना पड़े, वो हम कर रहे हैं जो आप कर सकते थे। लेकिन अब इंशाल्लाह आपको मौका नहीं मिलेगा। अवाम अब आपको मुस्तरद कर चुकी है। अवाम आपकी जो मुनाफ़त के चेहरे हैं उनको मुस्तरद कर चुकी है, आपकी सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। आप अब 3 सदियां भी उस कंटेनर पर खड़े रहें तो डी चौक के भगोड़े के साथ कोई नहीं आएगा, मुनाफ़त के साथ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा आपकी झूठी सियासत और आपके इस्लामिक टच वाली सियासत पे, खुदा ना खास्ता, नाउज़ुबिल्ला। आप इसी की माफ़ी मांगते रहे ना सारी ज़िंदगी, तो आप उससे भी बाहर नहीं निकलेंगे। यह माफ़ करने वाला अल्लाह ताला है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इमरान खान ने आज ये भी बात की है कि गद्दारी के हवाले से उन्होंने बात की है कि क्या ये लोग मुझ पर गद्दारी के मुकदमे चलाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब उनकी लास्ट कैबिनेट थी तो क्या उस कैबिनेट में भी वजारत तवानाई की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की गई थी, जिसको मुसलसल मुस्तरद किया गया था, और उन जिम्मेदारान के नाम और उस हवाले से भी कोई हुकूमत कह रही, क्योंकि आपका मौका ये है कि ये रिश्ता हुकूमत की तरफ से ही ये सुरंगें बिछाई गई थी बारूदी सुरंगें, तो आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये मेरा मौकफ नहीं है अवैस, आपने बड़ा अच्छा सवाल किए। ये मेरा मौकफ नहीं है, ये मुआहदा है। ये मुआहदा मैं आपको आप लोगों को मैं दे देती हूँ इसकी कॉपीज, और इसके अंदर इस मुआहदे के मुताबिक जो शौकत तरीन साहब अपनी बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कह चुके हैं कि 30 रुपये पेट्रोल हर महीने बढ़ना है, 17% टैक्स के साथ, जीएसटी 17%, जीएसटी के साथ, और पीडीएल
दूसरी बात यह इंपॉर्टेंट है कि आपने जब यह मुआहदा किया था, आपने दस्तखत किए थे ना, आपका मुआहदा, आपकी शरायत है, और अगर आपने ये मुआहदा किया था तो अदम एतमाद के डर से इसको वायलेट क्यों किया? सियासत को फौकियत देने के लिए आपका ख्याल था ये आप 30 रुपये पेट्रोल सस्ता करेंगे तो अदम एतमाद फेल हो जाएगी? क्या पागल समझ रखा है आवाम को? ये मुआहदा इमरान खान साहब ने किया, और जिस तरह जिसकी क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई है कि कितने वजीर फारग हुए, जो आज तर्जुमान बने हुए, वो फारग हुए हैं वजारतों से, वो FBR चेयरमैन 7 और 6 सेक्रेटरी बेचारे अपनी नौकरी से गए हैं क्योंकि नलायक ना अहल अपनी सियासत चमका रहे थे। आज वही सेक्रेटरीज हैं जो कहते हैं हम फाइल ले लेकर ECC में और फाइल ले लेकर काबीना में जाते रहे कि समरी अप्रूव पड़ी हुई है। इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट कर दी क्योंकि नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटक रही थी। ये तमाशे इन्होंने किए मईशत के साथ, ये आग लगाई है मईशत के साथ, ये आग लगाई है महंगाई की, जिसको हम हर रोज दिन रात सुबह दोपहर शाम हर सेकंड बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस जिम्मेदारी से बरियो जमा नहीं हो सकते, ये आवाम जानती है। लेकिन मैं इसके साथ साथ जो आपको रिलीफ बताया कि हमारे लिए बड़ा आसान था ये सब काम करना पहले दिन, ये कहते कि जी IMF का मुआहदा है, ये हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं और हम जा रहे हैं। बात यह है हमने रिलीफ दिया आवाम को ताकि ये बोझ ना पड़े इनकी नलायकी का आवाम के ऊपर। हम इसको मैनेज करेंगे और आगे भी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह आवाम को इस महंगाई की चक्की से भी निकालेंगे, रोजगार भी देंगे, इंडस्ट्री भी वापस लाएंगे, नाराज सरमायाकारों को राजी करके वापस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कराएंगे। CPEC के बंद मंसूबे, 4 साल एक मंसूबा नहीं लाए CPEC का, उस अथॉरिटी की मीटिंग ही नहीं हुई जो साल में 2 दफा होती है और नए मंसूबे लाए जाते हैं, 4 साल मीटिंग नहीं हुई, एक मंसूबा नहीं आया मुल्क के अंदर CPEC के अंदर, जो थे वो भी बंद हो गए। चाइना नाराज, टर्की नाराज, सऊदी अरेबिया नाराज, कतर नाराज, क्योंकि अना इतनी बड़ी, जिद इतनी बड़ी, तकब्बुर इतना बड़ा, आज कंटेनर पे खड़ा है जिद, तकब्बुर और अना कि मैं नहीं रहूंगा, अगर मैं इस गांव में नहीं रहूंगा मैं पूरे गांव को आग लगा दूंगा, अगर मैं इस मुल्क इस कुर्सी पे नहीं रहूंगा तो मैं खुदा ना खास्ता पूरे मुल्क को आग लगा दूंगा। खुदा ना खास्ता मुल्क को 3 टुकड़ों में बात करते हैं तकसीम करने की, यह है इनकी सोच, एक कुर्सी, एक इक्तदार का हवस, उसकी इतनी जिद के मुल्क कि वो कुर्सी नहीं तो मुल्क नहीं खुदा ना खास्ता, ये वो शख्स है। और नज़मे क्या लगाते हैं हम देखेंगे और जाग उठाए, शर्म आनी चाहिए। जी यासिर पहले कर लें फिर मैं देती हूँ। 2 माह में बताया नजर नहीं आता कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ दिया गया, जो भी रिलीफ मिला वो दोबारा चीजें जो है डबल महंगी हो गई। आप क्या समझती हैं कि जो आपके साथ इतिहादियाँ, आप लोगों ने तो महंगाई मार्च किया, महंगाई बुकाओ मार्च भी किया, अब तमाम लोग उसकी बातें करते हैं बाहर जो आवाम है, क्या समझते हैं कि जो आप लोगों के साथ इतिहादी थे उन्होंने आपको किसी पतली गली में लाके फंसा तो नहीं दिया? और देखिए मैं एक साफ बात बता दूं, अभी मैंने आपको इतिहादी क्यों नजर नहीं आ गया, आपको मैंने कैटेगोरिकली बताया है कि जो रिलीफ अवाम को दिया है वो मैंने आपको बिल्कुल कैटेगोरिक उसकी तफसील बताई है, और ये पहला रिलीफ है, ये आखिरी रिलीफ नहीं है। ये मईशत ठीक भी होगी, महंगाई इंशाल्लाह कम भी होगी, क्योंकि एक विजन और एक स्ट्रेटजी मौजूद है, एक फिक्र मौजूद है, एक सोच मौजूद है। आज वजीर आजम को TV देखकर पता नहीं चलता डॉलर बढ़ गया या पेट्रोल बढ़ गया है, ठीक है ना? आज TV देखकर पॉलिसी नहीं बनाता शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, आज आवाम को देखकर पॉलिसी बनती है, आज आवाम को देखकर रिलीफ मिलता है, आज आवाम को देखकर हर पॉलिसी के ऊपर और हर दिन रात मेहनत हो रही है। आज सोशल मीडिया के ऊपर गालियां देकर कोई वजीर आजम अपना काम नहीं कर रहा जो कहता था कि मैं टमाटर और प्याज का रेट ठीक करने नहीं आया हूं, आज उसके भाषण दे रहे हो, मौका खत्म हो गया, अब तुम्हारी ना कोई बात सुनता है ना तुम्हारे पर कोई यकीन करता है। और जो किराए के तर्जुमान और जो वजारतों से फाइनेंस मिनिस्ट्री से फारिग हुए हुए गुजरा है ना, वो शर्म करें थोड़ी सी। अगर आपकी कारकर्दगी और आपकी अहलियत के ऊपर कोई यकीन होता इमरान खान साहब को तो आपको वजारतों से ना निकालते जो आज आप भाषण और लेक्चर दे रहे हैं, मेहरबानी करें उसके ऊपर। जी सनाउल्ला साहब, मेरे जना बस सनाउल्ला साहब, तो ये जो 2000 रुपए वाला है इसको बता दें ये कब से शुरू हो रहा है, कितने अरसे जारी रहेगा? दूसरा सवाल ये है कि जो दुफैद शहरी की बात हो रही है, आपको तो 1.5 महीने हुए हैं, लेकिन जब 20-25 गाड़ियों का काफिला जो फुटपाथों पर लोग खड़े होते हैं उनके पास से गुजरता है बुलेट प्रूफ गाड़ियों का,
तो लोग फिर ये नहीं सोचते कि तेल क्यों बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा। चार चार दफ्तर बने हुए हैं वजीरों के, आपके बाद जो वजीर बने हैं 20-20 गाड़ियाँ उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से पकड़ी हुई, ये हम गवाह हैं, नंबर भी आपको दे सकते हैं। हमारे बाद जो बने हैं आपकी अभी तो हम हैं, मैं कह रहा हूँ जो माजी में बने थे। अच्छा अच्छा, मैं यही कह रही हूँ, अभी तो मेरे बात कोई बन गया तो मुझे नहीं पता चला। नहीं, अभी भी जो वजीर बने, नहीं आपने बिल्कुल बात सही की है, मैं बता रहा हूँ ना, अभी भी जो वजीर बने हैं उन्होंने, अगर एक वजीर की वजारत के अंदर 10 इदारे हैं तो उसने 10 से दो दो गाड़ियाँ पकड़ी और अनलिमिटेड फ्यूल कार्ड है। फिर आपके जितने सिविल सर्विस के लोग हैं ग्रेड 20 से 22 तक, तमाम ने 100% में मोनेटाइजेशन ली, मोनेटाइजेशन के तहत वो लाखों रुपए महाना ले रहे हैं। हर अफसर ने दो दो तीन दिन गाड़ी पकड़ी है 20 से 22 और अनलिमिटेड फ्यूल अपने इधारों से पकड़े, आपको भी पता है सारी चीज़। ये कौन रोकेगा इन चीज़ों को, ये लीगल है चीज़ें, ये उनका बता रहा हूँ, लीगल नहीं तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप इलीगल नहीं रोक सके तो लीगल वो काम कैसे करें। देखिए इसके ऊपर बड़ी वाजिया, आज आपने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने अभी अपनी तकरीर में भी वाजिया इसके ऊपर बात कर दी है, कफायत शुवारी और कटौती की। और हम नारे नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दें या गवर्नर हाउस की दीवारें निकाल दें, गिरा दें। हम सहाफ़ियों को बाथरूमों में बैठ के टबों के अंदर बैठ के प्रोग्राम नहीं कराएंगे। हम भैंसों और कट्टों को बेच कर, वज़ीर आज़म हाउस की कट्टे और भैंसे बेच कर मईशत को नहीं ठीक करने की बातें करेंगे, ठीक है। हम अंडे मुर्गियाँ और बकरों से नहीं ठीक करेंगे मईशत। हम तमाम वो अमली तौर पर जिसका आपने भी जिक्र किया, जिस कफायत शुवारी का, कि उसका इम्पैक्ट और उसका इम्पैक्ट देखकर वो तमाम सरगर्मियाँ जिससे पेट्रोल और ये फाइनेंस पेट्रोल बिल के ऊपर जिसका बोझ है, उन सब को ख़त्म करेंगे। और ये एनर्जी के अंदर भी ये हो रहा है कि पिछले 3 दिन से जो डिमांड साइड का कंजर्वेशन प्लान है एनर्जी का, पहली दफ़ा नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी की बात हो रही है डिमांड साइड के ऊपर, और उसी तरह पेट्रोल के ऊपर भी जो डिमांड साइड है जिसमें आपने तमाम चीज़ें की, उन तमाम की कटौती, उन तमाम के रिफॉर्म्स और उन तमाम की जो इस्लाहात हैं उसकी बात इंशाल्लाह आज रात या कल सुबह में अनाउंस भी करूँगा। ये अभी तो हमने शुरू कर दिए बाकी स्कीम का जो हिस्सा, क्योंकि जून के महीने में बजट से पहले था, और बाकी सारा स्कीम का हिस्सा जो है वो बजट के अंदर शामिल किया जाएगा। मेरी मिनिस्ट्री में तो मैं खुद चाय और कॉफ़ी मांगती रहती हूँ, ना चाय आती है तो ना कॉफ़ी आती है। गाड़ी मेरे पास एक है, गाड़ी मेरे पास एक है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है, और इसके ऊपर तफसील ये है कि आपको पता है कि 2021 अक्टूबर में ये टॉक्स का आगाज़ हुआ था, और इसमें हकूमती सतह के ऊपर ये टॉक्स हो रही हैं जो कि अफगानिस्तान की हकूमत जो है उसको फैसिलिटेट कर रही है, और इसमें सिविलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट भी और मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन भी है। जिस तरह आपने कहा कि सेनेटर की वो आई, और अभी आज एक प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें उन्होंने सीज़ फायर किया है, और उसको मैं हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सतह पे हम खैर मकदम भी करते हैं। और जो भी टॉक्स कंक्लूड होंगी, एक तो ये पूरी टॉक्स का दायराकार जो है वो आइनी है, और जब भी ये टॉक्स कंक्लूड होंगी तो वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से होंगी, और दोनों अतराफ से जो कंसेंसस के साथ की जाएगी बात। और इसीलिए ये आज प्रेस रिलीज़ भी आई है जिसमें ये जिरगा और ये कंसल्टेशंस जो है वो इस वक्त जारी हैं, हम उसको खैर मकदम करते हैं, और इंशाल्लाह आईन के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो कंक्लूड करेगी ये कमेटी भी, और वो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के अप्रूवल से होगी। मैडम, प्राइम मिनिस्टर साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की रिसेंटली, इससे पहले जब अपोजिशन लीडर थे तो शायद अपनी मेडल स्पीच में पार्लियामेंट के अंदर भी इसकी बात की थी, तो क्या ये एक सीरियस इनिशिएटिव है? अगर सीरियस इनिशिएटिव है तो हुकूमत इसके ऊपर क्या है और आप इसको किस तरह परसू करेंगे? मंगल को, ट्यूजडे को नेशनल बिजनेस काउंसिल और जो एडवाइजरी काउंसिल है और पाकिस्तान के मायानास बिजनेस कम्युनिटी कारोबारी हलकों की नेशनल कॉन्फ्रेंस है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो कि ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके एन पहला स्टेप है कि उस चार्टर को फाइनलाइज करने के लिए ये पहली कॉन्फ्रेंस है बिजनेस कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स के साथ, और चैम्बर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। ये पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल के ऊपर इस सतह की बिज़नेस काउंसिल और बिज़नेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दूसरी बात, तमाम सियासी जमातों
को इसमें शामिल करने का मरहला है जो कि साथ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आइंदा इमरान साहब की शक्ल में अपने सियासत के फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मईशत के साथ कोई खिलवाड़ न करे और उसके तसलसल के लिए, माशी पॉलिसी और मईशत की तसलसल के लिए ये चार्टर ऑफ इकॉनमी का बनाया जा रहा है और उसमें कुछ रेड लाइंस ड्रॉ की जाएंगी कि हुकूमत कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट बदले, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं, जो रेड लाइंस हैं, उनको कोई क्रॉस ना करे, ताकि ये खेल दोबारा कोई भी इमरान खान की शक्ल में शख्स आने की, क्योंकि वो शक्ल तो वापस आने नहीं लगी, लेकिन कोई भी अगर ऐसा इकदाम उठाने की कोशिश करे तो वो नाकाम हो जाए। देखिए, मैं जानती नहीं शहबाज गिल साहब हैं कौन, मुझे इल्म नहीं है कि वो, आई रियली डोंट नो कि कौन साहब हैं, क्योंकि इतने किराए के तर्जुमान आए, कुछ ब्रीफकेस उठा के चले गए हैं, कुछ रह गए हैं पीछे गिने चुने, मुझे ऑनेस्टली अंदाज़ा नहीं। लेकिन इशू पे मैं बात ज़रूर करूँगी कि जो शख्स शहबाज शरीफ को जेल की कुर्सी नहीं देता था नमाज पढ़ने के लिए और एक एसेट रिकवरी यूनिट का सरबरा कैमरा लगा के देखता था कि जेल में शहबाज शरीफ को नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी ना मिले, एक पूरा दफ्तर बनाया हुआ था इस काम को देखने के लिए शहजाद अकबर साहब की शक्ल में, और खाना क्या मिल रहा है, रोटी क्या मिल रही है, तीन वक्त खाना क्या मिल रहा है, उसकी ड्यूटी पर वो मामूर थे। लेकिन दूसरी तरफ जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने आते ही रिव्यू किया सिक्योरिटी को, क्योंकि ये कंटेनर पर अल मारूफ अमर बिल मारूफ मदीना की रियासत बैरूनी मुल्क साजिश मेरी जान को ख़तरा मुल्क चार टुकड़े खुदा ना खास्ता तीन टुकड़े खुदा ना खास्ता ये है सियासी बयानियाँ। तो उसमें जो बाकी तो हमारे हाथ से बाहर है क्योंकि वो उनका ज़बान का ताल्लुक है डायरेक्टली, जो सिक्योरिटी थी वो हमारा फ़र्ज़ था, उसको रिव्यू किया गया, रिकॉर्ड के मुताबिक जो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी थी वो उनके पास मौजूद थी, एंट्री और एग्ज़िट बनी गाला के जिस तरह वो थे जिसमें सिक्योरिटी कैमराज थे वो अभी तक मौजूद हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इनको दी गई, इनको ये भी कहा गया कि आपका सिक्योरिटी अफसर आपको होना चाहिए, आपको दे देते हैं, उन्होंने एक अपना रख लिया। उसके अलावा जितनी सिक्योरिटी है, जितनी फूल प्रूफ, फिर दोबारा आपको याद होगा इन्होंने एक जलसे में कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, उसके बाद दोबारा रिव्यू हुई, तमाम वज़राए आला तमाम चीफ सेक्रेटरीज प्रोविंसेस के इंटीरियर मिनिस्ट्री को दोबारा मरासले गए वफाक की तरफ से कि इनकी सिक्योरिटी जहाँ जहाँ ये ट्रैवल करें इनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए और किसी किस्म की इसमें गुंजाइश ना हो जहाँ कोई भी खुदा ना खास्ता इवेंट हो सकता है। तो ये इसकी हकीकत है, बाकी जो मौसूफ आपने कहा मैं उनको जानती नहीं। मैडम, अब और कितनी पेट्रोल का पड़ेगा, भाई पूरी बात सुन ले, तमाम में अब ये बात हो रही है कि आप पता नहीं कहाँ तक ये महंगाई जाके रुकेगी, थोड़ा इस बारे में विचार बता रहे बजट में मजीद कितना ये आवाम पे बोझ पड़ेगा। दूसरा, एक बड़ी तनकीद हो रही है जो प्राइम मिनिस्टर के तुर्की जाने से पहले, तुर्किया जाने से पहले जो इश्तेहार लगे थे अखबारों में, उस बारे में बता दें। क्या बहस हो रही है? काफी तनकीद हुई है जो इश्तेहार के जहर जहर खाने के पैसे। देखिए, आपको एक इश्तेहार याद है, वो हम मसरूफ थे, एक इश्तेहार आया था 100 दिन के बाद, हम मसरूफ थे झूठ बोलने में, गाली देने में, नालायकी में, ना अहली में, मईशत तबाह करने में, मुल्क का सोशल फैब्रिक तबाह करने में, मुल्क की जेनरेशंस तबाह करने में हम मसरूफ थे। मैं ये घटिया सियासत, गंदी सियासत, कुछ जवाब देने ही नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ हुकूमत पाकिस्तान, मैं पूरी जिम्मेदारी से उस एड की जिम्मेदारी भी लेती हूँ, 75 इयर्स ऑफ पाक तुर्की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की इस्टेब्लिशमेंट में, जिसमें पूरी तुर्की में इश्तेहारात और मुहिम चलाई गई और हमने सिर्फ वजारत इतलात के लेवल पर चलाई, वहाँ प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर चली, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, जो असल में ना मैंने एक बात करनी थी आप लोगों से, मैं भूल गई, मैं अभी करने लगी हूँ। ये जो खुदा ना खास्ता जो बयान आए इमरान खान साहब, पता किस चीज़ के इन्फ्लुएंस में आए, वो तुर्की में अर्दोगान, प्रेसिडेंट अर्दोगान ने, जो तैयब अर्दोगान ने जो रिसेप्शन दी शहबाज शरीफ साहब को, जो गार्ड